राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को राहुल गांधी ने गाली दिया है, ये जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कोर्ट ने भी उन्हें माफ नहीं किया है, चाहे कोर्ट कितनी भी सजा दे लेकिन राहुल गांधी को सजा होगी, जनता और कोर्ट दोनों सजा देगी। वहीं ललन सिंह को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि ये लोग बेशर्म है, नीतीश कुमार पलटू कुमार है, उनको देंगे। भाई देखो, इन्होंने पहले शिक्षकों का ध्वन किया, शिक्षकों को पीटा, लाठी से पीटा, बुरी तरह घायल किया, और जब हम शिक्षकों के मांग को लेके गए थे तो हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरह से पीटा, खून से लथपथ हो गए महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, सब लोग। तो मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार की रणनीति यही है कि पहले पीटो और फिर पुचकारो। तो ये पीटने का काम किया है, ये पलटू कुमार है, पलटू कुमार, ये घमंडी, इसको राजपाट करना करने का जो है ना, ये घमंडी कुमार है, ये घमंडी, ये जो गठबंधन बनाया है ये घमंडी गठबंधन है। राहुल गांधी तो बड़ा खुश है सर, उसको घमंडी कर दिया जाए। राहुल गांधी की जो सदस्यता पे जो कोर्ट ने स्टे लगाया है, कैसे देखते हैं? काफी खुश है कल लालू जी। अरे भाई, सदस्यता पर स्टे लगा है, आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि भाई उनको लथाड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप अति पिछड़े समाज के और एक स्पेशल मोदी समाज के लोगों को, आपने प्रधानमंत्री से लेकर के पूरे समाज को, अति पिछड़ों को गाली दिया, ये जनता कभी माफ़ करेगी जी? ये जनता माफ़ नहीं करने वाली है, और कोर्ट ने भी उनको माफ़ नहीं किया है। भले 2 साल से, भले उनका 6 महीना करे या 1 साल करे, लेकिन सजा होगी, और जनता भी सजा देगी, कोर्ट भी सजा देगी। ललन सिंह जी काफी आक्रोशित थे सदन में, और आपके ऊपर भी कुछ टिप्पणी कर दी है वो। मुझे लग रहा है अब मुझे क्या कहलवाओगे भाई, ललन सिंह के बारे में मुझे कहवाइए मत। ये लोग बेशर्मी है, बेशर्मी लोगों को, बेशर्मी जो होते हैं ना, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, वो नैतिकता की दुहाई, लोक लज्जा के बारे में। हाँ। हमारे भाजपा और नीतीश कुमार जी जो पलटू कुमार हैं, हाँ। ये बताइए उनको कि उनको लोक लज्जा की बात, वो क्या करेंगे? जिनको लोक हो, लज्जा हो, इन्होंने तो अपने, मुझे मालूम है विधानसभा के अंदर किस प्रकार से इन्होंने खानदान को गाली सुनवाया, राबड़ी देवी ने किस प्रकार से इनको लपेटा था, भूल गई है, और बाद में मंत्री बनने के लिए ये जो इन्होंने न्यायालय में, कोर्ट में उसके खिलाफ केस किया था, उसको भी बिना शर्त वापस ले। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 5 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखे लेटेस्ट खबरें, और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 5 स्कोप ऐप।